जुगनू कभी सूरज को टक्कर दे पाएंगे? हाँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सूरज की पूजा करता हूँ। ए स्टालिन, तेरे बाप में औकात है तो जाके सूरज को खत्म कर दे। मैं सनातनी हूँ, मैं जल को पानी को देवता मानता हूँ। ए स्टालिन, तेरी औकात है, पानी को खत्म कर दे। ए सनातनी, मैं आग को अग्नि देवता मानता हूँ, तेरी औकात है। एक कांग्रेस के खड़गे पड़गे सड़गे, तेरी औकात है तो जाकर के अग्नि को खत्म कर दे। हम देवता चाहता हूँ। हिजड़े वो नहीं होते जो बत्ती पर खड़े होते, हिजड़े असलियत में वो होते हैं जो हिंदू होकर के भी हिंदुओं का विरोध करते हैं। और राहुल बाबा, आप तो कहते थे मैंने मोहब्बत का दुकान खोली है नफरत के बाजार में, तो इस मोहब्बत की दुकान में सनातन के लिए नफरत क्यों है? टंकी की चोट पर बोलता हूँ, ए प्रियंक खड़गे, ओ स्टालिन के बच्चे, अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया तो किसी पंथ और मजहब के बारे में बोल करके देखो, इतनी देर में 6 इंच कम हो जाओगे। ये तो आप एक बीमारी है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये देश के लिए बहुत बड़ा रोग है, मानसिक रोगी हैं स्टालिन, जो तथाकथित अभी क्रिश्चियन बने हुए हैं, तथाकथित क्रिश्चियन अभी नए नए बने हुए हैं। उनको सबसे पहले अगर सनातन खत्म करना तो अपना नाम खत्म करो। उदय निधि नाम लेकर के घूम रहे हैं, कहाँ से आया वो उदय निधि? हमारे सनातन और संस्कृति का ही शब्द है वो उदय निधि, जो वो लेकर के घूम रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि कहाँ कैसे खत्म करोगे, हमारे DNA में हिंदू धर्म, हिंदू जीवन, हिंदू तन मन रग रग, हिंदू मेरा परिचय। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म हमारे रगों रगों में है, हमारा DNA, हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व में है। ये बात करेंगे सनातन को मिटाने की। भाई साहब एक बात बताइए, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग जब देश में, जब कहते नहीं रामायण में चौपाई है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, समझ रखो ना, अब तो ऐसे ही आकर के इन लोगों का संहार करते हैं। महाभारत में कहा था ना श्री कृष्ण जी ने, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनाथाय शंभवामि युगे युगे। तो जब जब ऐसी प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति के लोग आते हैं और वो घमंडिया गठबंधन बनाते हैं, तब तक योगी आदित्यनाथ जैसा एक अवतार आता है और डंके की चोट पर इनकी आकर के खाट खड़ी करता है। क्यों? क्योंकि जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जो सुराख से बारूद बना देता है उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अवतार है वो। लेकिन क्या चल, क्योंकि चोट पर जवाब मिलेगा, चल क्या रहा है देश में? कहीं हिंदू धर्म को जो है बता दिया था धोखा है, लेकिन आप जो है कह रहे हैं कि सनातनी जो है बीमारी है। देखिए एक बात बताइए, जो ये कह रहा है हिंदू धर्म धोखा है, उनसे आप पूछ के देखिए, सनातनी तो सिर्फ एक धर्म है, बाकी पंथ और मजहब है। डंके की चोट पर बोल रहा हूँ आपके चैनल पर, सिर्फ धर्म एक ही है, वो है सत्य और सनातन, जो सिर्फ आदि है और अनंत है। अनंत का मतलब होता है इंग्लिश में इन्फिनिटी, जो कहीं खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, वो है सनातन धर्म। बाकी सब पंथ और मजहब में सर, उसके बावजूद आप आके ऐसी बातें करते हैं। और इनके अभी ये तो बोल ही रहे थे, स्टालिन ने तो बोला, अब कांग्रेस पार्टी में जो कुछ उपद्रवी और पाखंडी लोग हैं, जो कि चुनावी जनेऊधारू हैं, जो राहुल गांधी जैसे ब्राह्मण है, हाँ, कुर्ते के ऊपर से जो जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं, वो लोग भी आकर के कह रहे हैं कि जो सनातन है वो जातियों में बांटता है। अरे साहब, आप सनातन के बारे में पढ़िए ना, आपने पढ़ा नहीं, ना खाता ना वही, जो आपने कह दिया वही सही, ये थोड़ी चलेगा। अगर मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, ए प्रियंक खड़गे, ओ स्टालिन के बच्चे, अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया तो किसी पंथ और मजहब के बारे में बोल करके देखो, इतनी देर में 6 इंच कम हो जाओगे, इतनी देर में 6 इंच कम हो जाएंगे, सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे। पर हमारा सनातन क्या सिखाता है? वसुदेव कुटुंबकम, ये पृथ्वी क्या है? हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है सबके। हमारे सनातन धर्म में जब नारा लगाते तो क्या कहते? विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम इतने अच्छे, हमारे सिद्धांत इतने अच्छे हैं कि हम उसके बावजूद हम पर जितने सवाल उठाते हैं, हम पर जितना कोसते हैं, हम उतने ही निखर के आते हैं। वही बात है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं सनातन को मिटाने की। पर क्या कभी, एक बात बताइए, जुगनू कभी सूरज को टक्कर दे पाएंगे? हाँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सूरज की पूजा करता हूँ। ए स्टालिन, तेरे बाप में औकात है तो जाके सूरज को ख़त्म कर दे। मैं सनातनी हूँ, मैं जल को पानी को देवता मानता हूँ। ए स्टालिन, तेरी औकात है, पानी को ख़त्म कर दे। ए सनातनी, मैं आग को अग्नि देवता मानता हूँ, तेरी औकात है। एक कांग्रेस के खड़गे पड़गे सड़गे, तेरी औकात है तो जाकर के अग्नि को खत्म कर दे। हम देवता मानते हैं, खत्म करके दिखाओ ना, क्यों नहीं कर सकते? औकात नहीं है। जब ये 3 चीजें खत्म नहीं कर सकते तो आप सनातनियों को कैसे खत्म करोगे? हमारे रग रग में सनातन भरा हुआ है, रग रग में सनातन भरा हुआ है सर। ये इन लोगों के मुंह पर तमाचा है,
दिल की बात जुबान पर आ गई है इन लोगों के, जो ये चाहते हैं। और 2024 में सुन बे, 2024 में 110 करोड़ लोग जो सनातनी है, अभी 14 में तो केवल तमाचे लगे थे और 19 में लात घूसे चले थे, अब की बार 6 इंच कमी हो जाओगे बेटा। सनातनी जो है हिंसा कहाँ करते हैं, देखिए। तो हमने कब कहा हिंसा, वोट है हमारे पास, वोट की चोट जब लगती है ना बाबा, तो अच्छे अच्छे नेता से फकीर बन जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। और जब 110 करोड़ वोट पड़ते हैं ना, तो बेटा सिस्टम हिलता नहीं है, हैंग हो जाता है। और जो कि हो चुका है 2014 में 19 में, अब की अभी तक तो कहता था 300 पर, अब कहता हूँ कि 543 में जमानत जब्त होगी इनकी, 543 में जमानत जब्त होगी, क्योंकि आपने हमारे भावनाओं को खेल बना दिया। अभी तक तो ये लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, अब ये पूरा सनातनियों पर सवाल उठा रहे हैं। और राहुल बाबा, आप तो कहते थे मैंने मोहब्बत का दुकान खोली है नफरत के बाजार में, तो इस मोहब्बत की दुकान में सनातन के लिए नफरत क्यों है? एक बात बताइए, प्रियंका गांधी कहती है हम ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, और लालू यादव का बनाया हुआ मटन खा रही थी, ये इनका दोहरा चरित्र है। कह रही थी वाह किसने बनाया, बहुत टेस्ट है। है प्रियंका गांधी, कितना झूठ बोलोगे बे, कितना झूठ बोलोगे। और सुनो, मैं कहना चाहता हूँ हिजड़े वो नहीं होते जो बत्ती पर खड़े होते, हिजड़े असलियत में वो होते हैं जो हिंदू होकर के भी हिंदुओं का विरोध करते हैं। अभी भी कुछ लोग अगर सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ते हैं और अभी भी जातिवादियों में बटने चाहते हो, तो सुन लो कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। और दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती क्या क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। मैं राजपूत, तू ब्राह्मण, तू शूद्र, तू वैश्य, कब तक होता रहेगा। हम सनातनी हैं, और ये सनातनी सनातन में इतनी पावर है ना, इतनी पावर है कि हमारे ऋषि मुनियों को देखिए, ये सनातन को ख़त्म करने की बात करते हैं। कन्नड़ जो इनकी भाषा है तमिलनाडु की, उस भाषा को किसने, कौन लेकर के आया, उस भाषा को अगस्त मुनि लेकर के आए थे, जिस कन्नड़ को ये लोग पढ़ते हैं, उस भाषा को अगस्त मुनि लेकर के आए थे। सबसे पहले तो आप अपनी भाषा ख़त्म करिए जिस पे आपको इतना गौरव है, तमिल की भी तो बयान देते रहे कि कहते पीएम कैसा, पीएम जो गंगा आरती करता है, मंदिर बनवाता है, देश की जो है स्कूल और शिक्षा व्यवस्था पर जो है नहीं। और देश की जनता सुन लो, इसने सिर्फ बोला ही नहीं है कि सनातन को खत्म कर रहा हूँ, ये इस बारे में काम भी कर रहा है। एक नदी के तट पर, मैं आपको डाटा के साथ बोल रहा हूँ, एक नदी के तट पर हिंदुओं का 105 साल पुराना मंदिर तुड़वाया है स्टालिन ने, और वहाँ पर बहुत अवैध चर्चे बनी हुई हैं, और भी बहुत सारे अवैध काम वहाँ पर चल रहे हैं, उनको अभी तक भी नहीं छेड़ा गया है, जबकि कोर्ट ने बोला कि इन्हें भी तोड़ा जाए, लेकिन इसने मंदिर तोड़ दिया है वहाँ पर 105 साल पुराना। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और इसको ख़त्म आप करिए, इसको ख़त्म आप करिए। वोट की चोट, 80% जो आबादी है ना वहाँ पर हिंदुओं की, जाग जाओ, क्योंकि अभी अगर नहीं जागे तो फिर सोते रहोगे।